नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस पीढ़ी सामान्य धन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है मॉडल सेट नंबर 19, 20, 21, 22, 23 एवं 24 एवं पेज नंबर है 198। तो इसका फर्स्ट मॉडल सेट देख लेते हैं। मॉडल सेट नंबर 19, हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन से जनजाति पाए जाते हैं? लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। मक्का मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ पे स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। द प्रोफेट के लेखक कहलील गिब्रन है। द प्रोफेट के लेखक कौन है? कहलील गिब्रन है। डलहौजी झील फ्लोरिडा में स्थित है। डलहौजी झील कहाँ पर स्थित है? फ्लोरिडा में स्थित है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। शेर पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। शेर पंजाब किसका नाम है? उपनाम है, लाला लाजपत राय का उपनाम है। रूसी क्रांति के जनक बी आई लेनिन थे। रूसी क्रांति के जनक कौन था? बी आई लेनिन था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आजाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आजाद है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। वाशिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी दोस्तों वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वाशिंग सोडा क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर से किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कालिदास शिव के उपासक थे। कालिदास किसका उपासक था? शिव का उपासक था। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ पर स्थित है? काहिरा है। राजा भोज द्वारा बनवाई के विशाल झील भोजताल भोपाल में स्थित है। राजा भोज द्वारा बनवाई के विशाल झील भोजताल भोपाल में स्थित है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट सेट नंबर 20, अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करता है? जातक को। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय कहाँ पर वर्षा होती है? तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। बालू पत्थर किसका रूपांतरण है? टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। मक्का खरीफ फसल है। मक्का कैसा फसल है? तो खरीफ फसल है। पृथ्वी एक करोड़ की त्रिज्या 3400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी एक करोड़ की त्रिज्या कितनी होती है? 3400 किलोमीटर होती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन गैस। नेक्स्ट है, असम का पुराना नाम कामरूप था। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। बंगाल का प्राचीन नाम गौर था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौर था। मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में है। पिपली घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कुद्रेमुख कर्नाटक लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में युद्ध टैंक अबारी में बनाए जाते हैं। भारत में युद्ध टैंक कहाँ पर बनाए जाते हैं? अबारी में बनाए जाते हैं। सिक्किम की प्रमुख जनजाति लेप्चा एवं भोटिया है। सिक्किम के प्रमुख जनजातियाँ क्या है? लेप्चा एवं भोटिया है। इजराइल की पार्लियामेंट निसर कहलाती है। इजराइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? निसर कहलाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट है सेट नंबर 21, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेयरों से है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेयर मार्केट से। अभिनय भारत के संगठनकर्ता वी डी सावरकर थे। अभिनय भारत के संगठनकर्ता कौन थे? बी डी सावरकर थे। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। शिवाजी के समय भूमिकर रहवतवारी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के समय भूमिकर किस व्यवस्था पर आधारित थी? रहवतवारी व्यवस्था पर आधारित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पित्त अर्थात बाइल यकृत से स्रावित होती है। पित्त अर्थात बाइल कहाँ से स्रावित होती है? यकृत से स्रावित होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है। जब कोई पिंड धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। जब कोई पिंड धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। परमाणु रूप से सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्वों का किसका पता चलता है? तत्वों का गुणों को पता चलता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक के टूटने से दो या अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक नाभिकों का निर्माण होता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन रूस का था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था, जो कि कहाँ का था? रूस का था। कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी शहर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर से छोड़ा गया था। एविक विद गांधी के लेखक लुई फिशर थे। एविक विद गांधी के लेखक कौन थे? लुई फिशर थे। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक बिट्स के द्वारा होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द का माप किस में होता है? बिट्स में। नेक्स्ट है सेट नंबर 22, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला बेंगलोर है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? बेंगलोर है। पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का लोकगीत है। पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? छत्तीसगढ़ राज्य का लोकगीत है। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात चाय का करता है। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसका करता है? चाय का करता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। 1876 ईस्वी में रानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य नियुक्त किया गया। किस ईस्वी में रानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य नियुक्त किया गया? 1876 ईस्वी में। पश्चिमी नौसेना कमांडर का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पश्चिमी नौसेना कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 ईस्वी को किया गया था। भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? नाग है। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर है। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उधमपुर में। भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन से है? पृथ्वी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। नेक्स्ट है, सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित वित्तीय संरचना से है। राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? आधारिक वित्तीय संरचना से है। शहरयार को सुंदरमुर्ख कहा जाता है। सुंदरमुर्ख किसे कहा जाता है? शहरयार को सुंदरमुर्ख कहा जाता है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में स्थित है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये पूरा बुक का पेज वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसलिए एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। तो नेक्स्ट है दोस्तों, सेट 23, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सैलमूल मैग्मा कहलाती है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सैल क्या कहलाती है? सैलमूल या मैग्मा कहलाती है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक था। हरिप्रसाद चौरसिया कौन था? एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। विजय घाट कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नियाग्रा प्रपात कनाडा अमेरिका की सीमा पर है। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर स्थित है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाला व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का
टंगस्टन किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन था। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? नायलॉन था। 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि की तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। किस डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है? 95 डेसिबल। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देशों का संगठन है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा मैनरहीन है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा क्या है? मैनरहीन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। IMF किसकी देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 24, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपाई है। नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपाई है। एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच की जाती है। एलिसा परीक्षण द्वारा क्या होता है? एड्स की जांच होती है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर था। मुगल सेना में 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया गया था। मुगल सेना ने 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद चटर्जी हैं। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को माना जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? संत पुरंदर दास को माना जाता है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रामाबाई ने की थी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ 1970 ईस्वी में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1970 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाले से। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। देश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? कपड़ा उद्योग है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़ी में पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन किस में पाए जाते हैं? नीलगिरी के पहाड़ी में पाए जाते हैं। लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।